12 जून को लेकर जो किसान यूनियन की आज बैठक की गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज उसी के लिए तैयारियों के लिए आज यहाँ बैठक थी किसानों शाहबाद में, उसको फाइनल टच दिया गया। हमने जो समय दिया था सरकार को, सरकार ने उसको रखे में लिया और बातचीत नहीं करी, इसलिए आज रैली की पूरी तैयारियाँ कर ली। सभी अपने नेताओं से कह दिया कि सभी जो अगू नेता हैं वो अपना दाएं बाएं रहे, ये जालिम सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है, हमारे प्रधान लोग उठा सका, लेकिन अपने जत्थे के साथ आना है, पहुंचना लाजमी है, वो किसी रास्ते से आए, किसी साधन से आए, लेकिन पीपली पहुंचना सब न जरूरी है। और पीपली में आएंगे, सरकार से हक लेंगे, जब तक हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे, जब तक हमारे को MSP नहीं मिलेगा और हमारे जो नेता हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जिस तरह प्रशासन द्वारा रास्ते में कई जगह पर बैरिकेटिंग लगाई हैं किसानों को रोकने के लिए, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वो प्रशासन का काम है और हमारा काम पहुंचना है। बैरिकेटिंग जो पहले भी लगाए थे, पहले भी लोगों ने ठाकुर ऐसे मिल दिए, जैसे बिस्कुट मिल दिए, बैरिकेटिंग किसान के आगे नहीं हट गए, किसान हर हालत में पहुँचेगा। हर किसान के अंदर इतना गुस्सा है कि उसको हम शब्दों में जाहिर नहीं कर सकते। फैसला ये था जी, हमने 48 घंटे का समय दिया था प्रशासन और सरकार को कि बातचीत करे, सूरजमुखी की खरीद शुरू करे और हमारे किसानों को छोड़ दे, मगर सरकार इतनी निर्दयी हो चुकी है, छोड़ना तो दूर रहा, उल्टे 307 तक के झूठे मुकदमे लगा करके, धाराएं लगा करके हमारे किसान भाइयों को अंदर कर रखे। अब 48 घंटे का समय पूरा होने पर हमने मीटिंग की और जो हमने काल दे रखी है कि 12 तारीख को पीपली में जो सभा करने जा रहे हैं उसकी तैयारियों के बारे में, कहां कहां से जनता आएगी, किस तरह हमने स्टेज चलानी है, तो ये सारी बातों की चर्चा हुई और हमने रैली को फाइनल टच दे दिया है, क्योंकि 48 घंटे तक हम फाइनल नहीं मान सकते थे, हमने समय दिया। अब हर हाल में रैली होगी और हर हाल में हम अपने अधिकारों को लेकर के रहेंगे, हमारे किसान निर्दोष पकड़ रखे उनको भी छुटवाएंगे और MSP का ये जो मुद्दा है पूरे देश में लेके जाएंगे, पूरे देश के अंदर MSP का आंदोलन होगा। अभी तक तो शाहबाद में और हरियाणा में था, ये पूरे देश के अंदर आंदोलन जाएगा।